आगे दिल्ली एक मर्तबा नहीं उड़ी, बहुत सी मर्तबा उड़ी है। बड़ी लंबी तमशील है दिल्ली के सिलसिले में। एक मर्तबा दिल्ली पर हमला हुआ और वहां कत्लोगारतगिरी शुरू हुई और कत्लोगारतगिरी में इतने लोगों के गले काटे गए, इतने लोगों को कत्ल किया गया कि बारिश में जिस तरीके से पानी नालों में बहता है इस तरीके से खून बहने लगा। नादिर शाह का जमाना था। नादिर शाह ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया है उस वक्त की एक तफसील है, तारीख में देख लें। उस वक्त कोई बुजुर्ग थे, उनके पास कोई आदमी गया और जाकर उन्होंने कहा कि हजरत ये क्या हुआ, इतनी कत्लो मारत के लिए हो रही है। तो उन्होंने जवाब दिया, शाम के आमाने मां हमारी बदमरी ने, शामते आमाने मां सूरत नादिर गिरी, यानी नादिर शाह की शक्ल इख्तियार की और नादिर शाह की शक्ल इख्तियार करके वो आज हमारे ऊपर मुसलत होकर कत्लो कारत गिरी कर रहा है। या दूसरा तर्जमा अगर करें तो हमारी बदअमली की वजह से हमारी बदल अमली ने ये बहुत ही अजीब सूरत हाल इख्तियार की। बुजुर्ग और दोस्तों, नादिर हर जमाने में हो, नादिर शाह हर जमाने में होते रहते हैं, लेकिन ये नादिर शाह हमारी बदअमली है। हम अगर अपने अमल को दुरुस्त कर लें, अगर अपने अमल को कुरान के मुताबिक कर लें, हदीस पाक के मुताबिक कर लें, तो फिर आज भी हमारे लिए ऐलान कुरान पाक में मौजूद है, वाला तहनो वाला तहनो वानतुमुल आलम तुम ही सरबलन हो। आपसे भी के कुरान पाक के साथ हमारा मामला दुरुस्त होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी नेमत हमें अता फरमाई है और ये कुरान पाक चाहे लोग मिटाने की कोशिशें करते रहे कोई कुछ नहीं कर सकता। कयामत तक के लिए कुरान पाक मौजूद है, कुरान पाक मौजूद है और कुरान पाक अपनी नूरानियत को बिखेरता रहेगा और बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। दूसरी चीज हुजूर अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। हदीस पाक के मुताबिक भी बहुत सारी तफसीलात है। हुजूर अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस वमा यंतक अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही युहा, जैसा मैं और आप हजरात जब चाहे जिस तरह चाहे जब आप बोलते बोल देते हैं, बोलते चले जाते हैं, बकवास करते चले जाते हैं, अच्छा और बुरा बोलते चले जाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये कैफियत नहीं थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता था, जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इरशाद होता था, हिदायत की बात बतानी होती थी, उसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे और बकिया वक्त में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते थे। हुजूर और दोस्तों, ये जबान भी अल्लाह तआला की बड़ी नेमत है और हदीस पाक में भी फरमाया गया है कि जबान की वजह से बहुत सारे हजरत जहन्नम में उनके मुंह फेंके जाएंगे। सामने का जबान से ज्यादा ही जबानी की वजह से हम जो जबान को इस्तेमाल करते हैं, जीवन में इस्तेमाल करते हैं, इल्जाम में इस्तेमाल करते हैं, गलत मौसम गलत बातों में इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं कि इस वक्त कौन सा जुमला हमसे निकल जाए और अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद आ जाए। बहरहाल इस वजह से हमें जबान की भी हिफाजत करनी चाहिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यंतक अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा। हजरत दूसरी तरीक हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हदीसों को जो भी हुजूर अकरम ने इरशाद फरमाया फौरन लिख लिया करते थे। किसी ने उनको कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारी तरह इंसान है, बातें होती है, कोई हर बात ही दीन की हो ये तो जरूरी नहीं
ये क्या कर रहे हो, हर चीज को तुम लिख रहे हो। उन्होंने लिखना छोड़ दिया, लिखना छोड़ दिया। तभी उनको कहा गया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुंह कभी गलत बात बयान नहीं करता, जो सही होगा वही होगा। इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक से जो अल्फाज निकले, जो बातें निकली, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें हिदायत रखी हुई है, उसमें नूरानियत रखी हुई है। इस वजह से हमें उस हदीस पाक का भी उतना ही एहतराम और उतनी इज्जत करनी चाहिए। हदीस को भी बहुत सारे हालात गुजरे, लेकिन अल्लाह के रहमान वालों ने ऐसे ऐसे आदमी को पैदा किया कि जिन्होंने इस हदीस में जो बुराइयां, जो गलतियां, जो मौजू हदीसें या जो बनावटी हदीसें जो आ गई, उन सबको उन्होंने निकाल कर सही हदीसें हमारे सामने रख दी। और सही हदीसों का एक लंबा जखीरा इस वक्त हमारे सामने सिहाह सित्ता के नाम से है। आप हजरत जानते हैं और आप हजरत ने इसको पढ़ा है। और ये किताब जिसको बुखारी और मुस्लिम कहा जाता है उसको सही हैन से साबित किया जाता है। इसमें जो भी हदीसें हैं सबके सब सही है, बल्कि बहुत सारी हदीसों के तो अल्फाज भी वही है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए। तो आज 1400 साल के बाद इस उम्मत ने अपने नबी के साथ, अपने रसूल के साथ ऐसा ताल्लुक रखा कि नबी की हर हर हरकत को, नबी के हर हर लफ्ज को उसी तरीके से आज रिवायत कर रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि हमें अपने नबी के साथ जो मोहब्बत है, जो ताल्लुक है, उस ताल्लुक की वजह से नबी के जो अल्फाज हैं आज वो अल्फाज हम पढ़ रहे हैं। और उन्हीं में से ये किताब एक है जो आपके सामने सही और बुखारी के नाम से मशहूर है, अल-जामे और मुस्नद उस्वाही जो असल इसका नाम है। बहरहाल इस किताब की ये अखीरी हदीस है जो हजरत के सामने पेश की जा रही है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने कौन थे, क्या थे, कैसे थे, इनके रहन का हालत क्या था, वो सारा पुलिस ने मैंने बताया था। इस वक्त फिर उसको बताने में तादीर भी होगी, देर भी होगी। अल्लाह जल्ला जलालहू अपन वालों ने हाफिज़ जो हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को अता किया था, उनके जो वाकयात हम हदीस में पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, तो चूंकि हमें कभी सुबह को नाश्ते में क्या खाया है वो भी याद नहीं होगा, याद है जितना कोई हमारा हौजा है। रात को क्या खाया था, रात को क्या, किसको क्या खाया था, वो भी हमें मालूम नहीं है। लेकिन हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उस जमाने में इम्तिहान हुआ और हमें चलती ये बात है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह समरकंद गए, वहाँ तो उन्होंने ने कहा कि भाई मेरे तालीम में बहुत ज़बरदस्त उसका हाफिज़ा है, जरा उसका इम्तिहान लेना चाहिए कि कितना कैसा ज़बरदस्त हाफिज़ा। 10 आदमी तैयार की और 10 में 10 हदीसें बयान याद की, लेकिन हदीस का मतन अलग और सनद अलग। थोड़ा जैसा जहन में आ गया होगा मानना गया और हर एक ने आकर पढ़ा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बिठाया और इमाम बुखारी हर एक 10 आदमी थे, एक ने 10 हदीसें पढ़ी इस तरीके से और पूछा कि हजरत बताइए ये सही है कि गलत है। इमाम बुखारी सर झुका कर बैठ गए। आमतन होता है जो लोग होते हैं ऐसे, वो जानते भी हैं और समझते भी हैं कि इसको कुछ आता होता नहीं है। खामो भाई मोहिदीन ने उसको मशहूर कर रखा है। दस ने बयान किया और दसवें ने पूछा, फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खुद खड़े हुए और खड़े होने के बाद फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि पहले आदमी ने हदीस पढ़ी, इसका मतलब ये है और उसकी सनद ये है, ये गलत है। इस मतन के साथ ये हदीस है और इस मतन के साथ ये सनद है। 100 की 100 हदीसें उसी वक्त इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो गलत पढ़ी थी वो भी सुनाई और जो सही पढ़ी थी वो भी सुनाई, तो लोग देखकर हैरान हो गए कि वाकई में इसका हौजा अभी भी। बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसे हाफिज़ा वाले, ऐसे दिमाग वाले की एक किताब है जो कि आप हजरात ने पढ़ी।
और जब इस किस्म के वाकया जब बताते हैं तो तरह जी को झोंका होता है कि यार ऐसा भी किसी का दिमाग होता है, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहु व मन वादहु कादिर मुतलक। हर जमाने में अल्लाह तबारक व तआला कुछ न कुछ जिसकी नजीरें पेश करते रहते। अभी माजी करीब में हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया आपने सुना होगा। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक एक मरतबा अगर उन्होंने सुन लिया, किताब पढ़ ली, तो जिंदगी भर तक उनको कौन सी किताब में कौन से समय में क्या लिखा है वो सारा का सारा उनको याद होता था। आपका इनका इतना पवित्र जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ऐसा हादसा हो तो फिर अब हमें बता चलेगा कि इस आखिरी दौर में कयामत के कुरूब में ऐसे हादसे वाले हैं तो उस जमाने में खैरुल कुरूब में कैसे हादसे वाले हों। और अगर हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के सिलसिले में भी है तो मैं अपने शेर हजरत अब्दुल मुफ्ती महमूद साहब का वाक्य बता रहा हूँ कि असर के बाद मजलिस होती थी और फिर उस वक्त में हजरत से मसले में जब सवाल पूछे जाते थे और वो सवाल सिर्फ फिका के नहीं हर फन के हत्ता के अशआर के सिलसिले में भी, तो हजरत इतनी तफसील के साथ इसको जिक्र करते थे कि कमा हको माल हो मा भैया क्यों ये वो सारा उस सिलसिले में बयान कर दिया करते थे। जो बेटा कलूम लोग हुआ करते थे होता में से वो कहते थे कि हजरत तो उसको फरमाते थे कि मैंने ये बात जो अभी तुम्हारे सामने जिक्र की वो पढ़ने के जमाने में पुराने जमाने में पुरानी किताब में देखी थी उसमें से मैंने बयान की। अल्लाह जल्ल जलालहू ने हमेशा ऐसे ऐसे रखा था। हमारे हाजरा तो हजरत इमाम शाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वाक्य मौजूद है कि शर्तों को बिना वो तीन अंसुई हिफ्जी फाउसानी इला तरकीब मासी फइन अल इल्म मिन नूरे इलाही वल्लाह ला युबानी आसी। हमने तो गुनाहों की वजह से अपने दिमाग का नाश कर रखा। बुजुर्गों दोस्तों ने ये किताब बुखारी शरीफ ये भी बहुत ही मुतवर्रत किताब है। उलमा ने लिखा है कि जिस मकसद के लिए हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे लिखी वो हजरत को छोड़ो, इस किताब की बरकत क्या है आज की मजलिस में सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने की किताब अगर किसी इस्तीमर में रखी जाए तो इस किताब की बरकत से वो इस्तीमर नहीं डूबेगी चाहे बाबा। ये किताब जिस मकसद के लिए खत्म की जाए अल्लाह जल्ल जलालहु अमन वादहु उस किताब की बरकत से वो मकसद पूरा फरमा देते हैं। एक बहुत बड़ी मुहदीस कहते हैं कि मुझे जब भी जरूरत पेश आई मैंने बुखारी का खत्म किया और दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी दुआ कबूल फरमाई। हमारे मशाइख का भी तजुर्बा है कि बाद मरतबा किसी की बीमारी के लिए किसी बहुत खास काम के लिए सिर्फ बुखारी शरीफ का खत्म कराया जाता है और जब बुखारी शरीफ का खत्म हो जाता है और दुआ की जाती है अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाते हैं। और भी लिखा हुआ है कि जहाँ बारिश वगैरह हो न होती हो और उस वक्त में वहाँ पर बुखारी का खत्म किया जाए या बुखारी शरीफ के जरिए से दुआ की जाए अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। बहरहाल ये दुआ की कबूलियत का बहुत ही बड़ा सभी जरिया है और बहुत ही बड़ी बातें हैं। आज भी कुरान पाक हदीस पाक की ये किताब खत्म हो रही है। खत्म होने में काम मतलब ऐसा होता है कि पहले दिन शुरू हो गए बिस्मिल्लाह के वक्त और कलिमता ने हमी बता नहीं लग रहमन के वक्त आ गए सब खत्म हो गई। लेकिन हजरत आपका शेखुल हदीस साहब नंबर अदा बरकत हो की बरकत से हजरत ने बताया था कि जिस वक्त हमने पढ़ी किताब तो मेरा एक दोस्त था हामिद हसन ने इस किसान का कोई नाम बताया था। हम दोनों ने तय किया था कि कोई की हदीस सियासत आ गई
कोई भी हदीस बगैर वुजू के नहीं पड़ेगी और कोई भी हदीस उस्ताद के सामने से बगैर पढ़े नहीं गुजरेगी। और भी बड़ा वाक्य है उसमें, तो फिर उसको हजरत ने फरमाया कि हमने सारी किताबें इसी तरीके से पूरी की पूरी पढ़ी, कोई भी हदीस जाहिर नहीं हुई, कोई भी हदीस हमसे नहीं छूटी। हमारे तलबा में भी उन 31 तलबा को मैं मुबारकबादी देता हूँ कि जिन्होंने 30 वक्त बुखारी शरीफ के लिए उन्होंने कोई भी हदीस नहीं छोड़ी और बावजूद एहतिकाफ की हालत में भी और इसके साथ साथ क्या है हर सबक में वो शरीक रहकर अल्लाह तबारक व तआला इनके इखलास को कबूल फरमाए और इनके इस इखलास की वजह से हमें भी अल्लाह तबारक व तआला मौफरत फरमाए, दरजात आलिया नसीब फरमाए। बुजुर्ग और दोस्तों, आज इसी बुखारी के इख्तिताम में आया हूँ, जैसा कि अभी हजरात से कहा भी गया दुआ करने के लिए दुआ की मजलिस है। इंशाअल्लाह आप हजरात भी और मैं भी सब दुआ करेंगे और इनके साथ साथ कुरान पाक का भी इख्तिताम हुआ। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के मुताबिक नकल किया जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, 10 साल तक खिदमत किया, हजरत जानते हैं। खिदमत के बाद फिर हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बसरा चले गए थे और बसरा में जगह पर रहते थे। अल्लाह तआला ने इनके लिए औलाद की मां की दुआएं भी की, हुजूर अकरम ने दुआएं की, अल्लाह तआला ने कबूल फरमाया। इनकी औलाद और औलाद की औलाद भी बहुत हुई। उनके हालात में लिखा है कि जब वो कुरान पाक को खत्म करते थे तिलावत से, जब कुरान पाक को खत्म करते थे तो उस वक्त अपने घर के सारे बच्चों को, छोटे को, बड़े को जमा होते करते थे और जमा होने के बाद दुआ फरमाते थे और फरमाते थे कि खत्म कुरान के बाद जो दुआ की जाती है कबूल होती है। बुजुर्ग और दोस्तों, आज ये मौका फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है, इस वजह से दुआ के लिए खुसूसियत के साथ बुजुर्ग और दोस्तों हम मोहताज हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं, जो कुछ दिया हुआ है वो सब अल्लाह का दिया हुआ, लेकिन नफ्स ने या शैतान ने हमारे दिल में ये बिठा रखा कि ये मेरा ही है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हालांकि हमारा कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने अपने फजल से हमें जिंदगी दी, खुराक दिया, मान दिया, इल्म दिया, अमल दिया, ये सब अल्लाह का दिया हुआ। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो नेमत हमें दे रखी है उस नेमतों की कदर करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि हम सरापा मोहताज हैं, हम सरापा मोहताज हैं। इस वजह से हर चीज हमें मालिकुल मुल्क से, हर चीज कादिरे मुतलक से मांगनी चाहिए। हदीस पाक में भी आया कि तुम्हारे जूते की रस्सी टूट जाए तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला से मांगो। तो आज हम लोगों ने मांगना भी छोड़ दिया। कुरान पाक में और हदीस पाक में भी है अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मुझसे मांगो और जो लोग मुझसे मांगने से तकब्बुर करते हैं, ना मांगना तकब्बुर करना, हमें मांगने की क्या जरूरत है, ये तकब्बुर है। और हम आज इसी तकबर की वजह से ये बात खा रहे हैं जो ये चीजें हो रही है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला ने मजमईन पर इससे ज्यादा सख्त हालात आए। अब उन्होंने सीरत में पढ़ा सुना और पढ़ा होगा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबाब भी किए और असबाब के साथ साथ मुसब्बुल असबाब की तरफ भी तवज्जो की,
गज़वे बदर के मौके पर इतनी आजीज़ी के साथ, हालांकि तुम्हें मालूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मुकाबले को रोकने के लिए निकले थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम्हारे लिए दो रास्ते हैं, अगर तुम मान चाहते हो तो काफले के जरिए से तुम्हारा तुम्हें मान नहीं दिया जाएगा, और अगर कुफ्र की शिर्क की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना चाहते हो तो जरा मेहनत करनी पड़ेगी, जिहाद करना पड़ेगा, ये सारे के सारे काफिर खत्म कर दिए जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता भी दिया था, लेकिन जिस वक्त बदर के मैदान में आते हैं और अरिश हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो छप्पर बनाया गया था उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, दुआ करते करते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह करके इतने उनके हाथ कर रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर जो चादर थी वो चादर भी गिर जा रही, इतनी आजीज़ी कर रहे हैं, इतनी आजीज़ी कर रहे हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो वहाँ पर मौजूद थे वो कह रहे थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बहुत आजीज़ी कर ली, अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, फिक्र मत कीजिए। बुजुर्ग और दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतनी आजीज़ी के साथ दुआ करें और हर हफ्ते दुआ करते थे या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह मग़फ़िरत कर दे, या अल्लाह गुनाह माफ़ कर दे, या अल्लाह गुनाह दे दे, ऑर्डर नहीं करते कान करते, दुआ है या ऑर्डर है, दुआ है या ऑर्डर है, हमें अपने दिल से मुतवज्जे होकर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए, और जब आदमी दिल से मुतवज्जे होकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है, कोई सा भी हो कैसा भी हो पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, अल्लाह जल्ल जलालहु व मन वालहु फौरन उसकी दुआ को कबूल फरमा देते हैं। तो बुजुर्गों और दोस्तों, हमें भी जो जाहिरी दुआ करते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हमारी दुआ टेप रिकॉर्ड वाली दुआ होगी, टेप रिकॉर्ड में आपने देखा होगा कि टेप रिकॉर्ड चालू कर दो दुआ शुरू हो जाती है, इसी तरीके से या तो तौबा तौबा कर लिया और फिर या रब्बाना ज़लमना अनफुसना करके कर लिया, दिल में क्या है, दिल कहाँ मुतवज्जे है, जबान क्या कह रही है, दिमाग क्या सोच रहा है, उनमें से कोई चीज़ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होती, इस वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दुआ की कबूलियत के लिए पूरी तवज्जो आजीजी और क्या तवज्जो के साथ अल्लाह तबारक व तआला के सामने क्या है दुआ करनी चाहिए। अगर ऐसी दुआ हमने की, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं उदूनी अस्तजीब लको, अल्लाह जल्ला जलालो खुद कहे मांगो मैं तुमको देने वाला हूँ, फिर हमें शक करने की क्या जरूरत है, अल्लाह तबारक व तआला आपके खजाने भरे पड़े हैं सबको दे तो अभी वो खजाने में कभी कमी आने वाली नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने, मैंने बताया था एक मरतबा सबक में पहले, कि अल्लाह के खजाने की वसत हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन अगर समझ ना हो तो मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त दुनिया में कितने आदमी हैं उसकी तादाद को सोच लो, और हर एक की आँख दो आँख नाक पेशानी दो होंठ और पूरा हुलिया ये समझ लो, लेकिन तुम्हारा जैसा हुलिया तुम्हारी जैसी शक्ल लाखों करोड़ों आदमी में किसी दूसरे के पास है? अल्लाह जल्ला जलालहु के खजाने में कितने नमूने हैं, कितनी डिजाइने हैं, वो खुद इसके जरिए से समझ लो, जब एक बात ये समझ में आ जाएगी तो फिर सारी कुदरत इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगी। बहरहाल दुआ के ऊपर मैं कह रहा था कि ये दुआ का मौका है, दुआ करते रहो, और हम तो सराबा मोहताज हैं और मोहताज का काम तो मांगना है, और अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हालत से जिस हालत में हम मांगते हैं अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है, और खुश होकर हम जो मांगते हैं वो देता है, और हमारी मसलत के अतबार से अल्लाह तबारक व तआला देता है। और सिर्फ ये दुआ मांगना इतना ही नहीं, अभी से बात में आता है कि कयामत में अल्लाह जल्ल जलालहु अपन वालों एक आदमी को बुलाएगा और बुलाने के बाद कहेगा कि तुमने दुआ मांगी थी, ये मेरा बंदे तूने ये दुआ मांगी थी, यहाँ मांगी थी, अल्लाह ताला फरमाएंगे मैंने कबूल भी कर ली थी,
और तूने जो बीमारी की दूर होने के लिए, जो तकलीफ के लिए, जो मुसीबत के लिए, शादी करने के लिए या जिसकी दुआ मांगी थी मैंने कबूल कर ली थी और तुम्हारी दुआ के मुताबिक मैंने अमल कर लिया, दे दिया था। तो बंदा कहेगा क्या बिल्कुल। फिर अल्लाह जल्ल जलालहु फरमाए कि ये मेरे बंदे तूने ये दुआ भी मांगी थी, दूसरी दुआ बताएंगे? हाँ मांगी थी। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि उसका तुम्हें असर कोई महसूस नहीं हुआ। बहुत सारी दुआ मांगते हैं और कोई असर महसूस नहीं होता, उनमें से ये थी। कहा कि हाँ, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि तुमने ये दुआ मांगी थी और दुआ में ये मांगा था, तुम्हारे ऊपर तकदीर के एतबार से कोई बहुत बड़ी बला आ रही थी, मुसीबत आ रही थी, तुम्हारी इस दुआ की बरकत से मैंने उस बला को हटा दिया था और बला से तुमको बचा दिया था, ये भी तुम्हारे लिए फायदे की हुआ था तुम्हारी दुआ की वजह से। फिर अल्लाह जल्ल जलालहु अपना वादा से करके कि मेरे बंदे तूने ये दुआ भी मांगी थी, ये दुआ भी मांगी थी, ये दुआ भी मांगी थी, मैंने तुम्हारी सब दुआएं कबूल कर ली थी, लेकिन दुनिया में वो नेमत नहीं थी और उस दुआ को मैंने अपने पास महफूज कर लिया था और तुम्हारी उस दुआ की बरकत से आज मैं ये नेमत है, जन्नत की नेमत है, मैं ये नेमत है तुम्हें दे रहा हूँ, ये नेमत है तुम्हें दे रहा हूँ, ये नेमत है तुम्हें दे रहा हूँ। अभी से पास में अल्फाज है कि बंदा इस बात को सुनकर दिल में ये ख्याल करेगा कि यार मेरी कोई भी दुआ दुनिया में कबूल ना होती और यहाँ मिलता तो मुझे कितना बड़ा फायदा होता। बुजुर्ग और दोस्तों में ये बताना चाह रहा हूँ कि इस दुआ को मामूली ना समझो, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर जैसा उसका हक है दुआ मांगो। अल्लाह तबारक व तआला हमारी कोई दुआ को जाया नहीं करता और अल्लाह तबारक व तआला उसका बेहतरीन बंदा दुनिया में भी और आखिरत में अता फरमाता है। अल्लाह जल्ल जलालहु अपन वालहु आखिरत की नेमतों से हमें मालामाल फरमाए। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हफ्ते के सिलसिले में बात चली थी, अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत जबरदस्त उनको हफ्ता अता फरमाया था, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशदुल बला अनबिया सुम अमसल फलमसल, सबसे बड़ा मुसीबत अंबिया को होती है, बड़े आदमियों को बड़ी तकलीफें होती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाई ये होती है। अशदुल बला अनबिया सुम अमसल फलमसल, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर भी ऐसी मुसीबतें आई, ऐसी तकलीफें आई कि अल्लाह हमीद अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के फिर खुद अल्लाह ताला से दुआ करनी पड़ी कि अल्लाह तो मौत दे दे तो अच्छा है, और फिर अगर इमाम बुखारी का इंतकाल हो गया। बहरहाल हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब भी बहुत मुबारक, खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी बहुत मुबारक, और जिस चीज में इन्होंने मेहनत की हदीस पाक, वो हदीस पाक भी बहुत ज्यादा मुबारक, और ये दीन की हदीस है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारे नबियों के सरदार हैं और उनकी बरकत का क्या पूछना। अल्लाह जल्ल जलालहू व अपना वादा हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और अखीरी हदीस जो बाकी रह गई है अल्लाह तबारक व तआला इस वाफियत के साथ पूरा फरमाए। शुरू कीजिए अगली हदीस को पढ़िए। بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المصطفى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى